दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित आप सभी का टीम वॉरियर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम बात करें कि कहते हैं कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, बट कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलती है। दुनिया में सबसे बेहतरीन स्वाद अगर किसी चीज़ का है तो वो है कामयाबी का। जिस इंसान को कामयाबी का स्वाद अगर लग जाता है तो वो इंसान हर सिचुएशन में उसको संभवतः प्राप्त करना चाहेगा, चाहे वो सिचुएशन आज कोरोना जैसी महामारी ही क्यों ना हो। जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर एक तरफ लोग अपनी जॉब गंवा रहे हैं, बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस उनका डिस्टर्ब हो गया है, वहीं पर दुनिया में कुछ क्रांतिकारी लोग नए नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। इस प्रतिकूल परिस्थिति में जो लीडर अनुकूल परिस्थिति बनाता है, उस लीडर की मेंटलिटी साबित करती है कि वो जिंदगी में कितना ज़्यादा कामयाब होगा। जहाँ मैं बात करूँ जो प्रिडिक्स की, तो पूरी दुनिया के अंदर नहीं, भारत के अंदर भी आने वाले 2024 तक 50% जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोट के हाथ में जाने वाली है। और गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क निकलता है। अब बात आती है कि कामयाब होने के लिए हम क्या करें। कामयाब होने के लिए सबसे बेहतरीन जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है राइट प्लेटफॉर्म। भारत के अंदर बहुत यंगस्टर जवान लोग अलग अलग मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, अलग अलग आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं। बट जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें कई लाखों करोड़ रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप करोड़ों लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं उसके बाद में आपको कामयाबी मिलेगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर करें क्या, ये सोचना हम सब लोगों के लिए एक नॉर्मल सोच है। अगर आप पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं, अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर आप भी खुद को नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी न घबराएं। आप लोगों के पास में है वर्ल्ड का नंबर वन बेस्ट प्लेटफॉर्म एटोमी। अगर अभी तक आपने एटमी को ज्वाइन नहीं किया है और एटमी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप एटमी को हमारे YouTube चैनल पर दिए हुए काफ़ी लिंक्स को देख सकते हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं, आप एटमी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एटमी क्या है, एटमी के कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, क्यों एटमी को इस इंडस्ट्री का इतिहासकार कहा जाता है, क्यों एटमी पूरी दुनिया के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर एक इतिहास क्रिएट करने वाली है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं। एटमी एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, जीरो कैपिटल। एटमी के अंदर किसी भी प्रकार की आपके पास में कोई कंडीशंस नहीं होती। एटमी हर लीडर से उसका हार्ड वर्क, उसका माइंडसेट और उसका डेडिकेशन मांगती है। अगर आपके पास में ये सब चीज़ें हैं तो एटमी आप सब लोगों को एक आम आदमी से खास आदमी बनने का मौका देती है और आपको जिंदगी में अमीर होने के सारे मौके देती है। एटमी की मैं बात करूं तो एटमी एक नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है जो ई कॉमर्स प्लस मार्केटिंग मॉड्यूल पे काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे जॉब की कमी आती जा रही है, वैसे वैसे मार्केट के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और दुनिया के अंदर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अलावा अगर आने वाले 2025 तक 18 बिलियन लोगों को रोजगार देने वाली है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो एडवांस इंडस्ट्री एक और है, जिसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जो बहुत ही फास्ट गति से ग्रोथ कर रही है और जो बहुत फास्ट गति से लोगों को सक्सेस कर रही है। एटमी दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेके आई है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो एटमी दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो GSG स्ट्रेटजी पे काम करती है और विश्व के बेहतरीन प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाती है।
2016 के अंदर एटमी ने अपना पहला GSGS प्रोडक्ट लॉन्च किया, ताइवान का एटमी सैंडविच और दूसरा एथरियल ऑयल सिंगापुर का। तो आपको मैं बता दूं कि एटमी एक ई कॉमर्स बिजनेस है जो आपको इनकम करने का मौका देता है, और आप एटमी के सिस्टम पे दुनिया के बेहतरीन क्वालिटी के उत्पादों का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो 2020 में एटमी को साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने बेस्ट कंपनी ऑफ साउथ कोरिया का अवार्ड दिया, और 2020 में ग्रेट प्लेस टू वर्क 2020 इन कोरिया का कंपनी ने अवार्ड दिया। नेक्स्ट मैं बात करूं तो एटमी का एक प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट सेल एक्टिवेटर स्किन केयर सेट, जिसको मिनिस्ट्री अवार्ड मिल चुका है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ द रिपब्लिक कोरिया SMES ने उनको 2020 में मिनिस्ट्री अवार्ड दिया है। आज तक किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ये अवार्ड नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि एटमी के अंदर अगर हम काम करेंगे तो हमारा कितना बड़ा भविष्य है। 2017 के अंदर स्पार्क डिजाइनिंग अवार्ड कम्युनिकेशंस में कंपनी को ब्रॉन्ज अवार्ड मिला। 2019 के अंदर एटमी डायरेक्ट सेलिंग की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसको $100 million एक्सपोर्ट टू वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। एटमी का एक प्रोडक्ट है जो विश्व की नंबर एक रैंकिंग के अंदर आता है, जिसकी मैं बात करूं तो मात्र बहुत कम समय के अंदर बहुत कम कंट्रियों के अंदर काम करके एटमी का ये प्रोडक्ट जिसका नाम हीमोहीम है, जो विश्व का सबसे हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, नंबर एक रैंक प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें तो हीमोहीम को अगर हम एक्युमुलेट करें, हीमोहीम की सेल्स को अगर हम एक्युमुलेट करें, जोड़ें, तो आज तक 1 trillion KRW कोरियन वन का कंपनी टर्नओवर कर चुकी है। एनुअल टर्नओवर की बात करें तो 100 billion KRW इसका पिछले 5 साल से टर्नओवर है। इससे हम जान सकते हैं कि अगर जो विश्व का नंबर वन प्रोडक्ट है अगर हम उसके साथ में काम करें तो हम कितनी बड़ी हासिल सक्सेस यहां से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो एटमी को ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया, मलेशिया के अंदर एटमी को सुपर ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है। ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि एटमी जिस भी कंट्री में जाती है वहाँ पर एक सुपर ब्रांड का अपना खिताब, अपना मुकाम हासिल करती है। 2017 में चाइना में काम करने से पहले प्री लॉन्चिंग में भी एटमी को चाइना के 71वें रिपब्लिक डे के दौरान आउटस्टैंडिंग CEO का अवार्ड भी मिल चुका है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आज तक किसी भी कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो सन 2013 के अंदर साउथ कोरिया के अंदर साउथ कोरिया के अंदर 1.45 बिलियन एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है किसी भी कंट्री के अंदर स्टार्टिंग फेज के अंदर इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बेस होना किसी भी कंपनी के लिए एक गर्व की बात होती है जो एटमी के अंदर है। इसलिए एटमी साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्री के अंदर नंबर एक रैंकिंग पे आती है। जो पुरानी कंपनियां हैं, एटमी सभी कंपनियों को ब्रदरन सिस्टर मानती है। मैं कंपेयर नहीं करूंगा, कंपेयर की बात करें तो एटमी ने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सी कंपनियों को पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सप्लाई और जो रिसर्च का एग्रीमेंट है वो कैरी कोलमार्क का, जो कोलमार्क BNH है उनके साथ में इनका एग्रीमेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो कंपनी सन 2009 के अंदर फाउंडेड हुई थी एटमी CO लिमिटेड के नाम से। CO लिमिटेड ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, यह CO लिमिटेड के नाम से सन 2009 के अंदर फाउंडेड हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एटमी 10 से 11 साल से काम कर रही है, और एटमी का पिछले साल के टर्नओवर के हिसाब से इस साल का जो रैंकिंग है वो 12 है। अगर मैं कंपनी के टर्नओवर की बात करूं 1.73 billion $, इससे कंपनी का जो टर्नओवर निकल के आता है 9th रैंक। इतने कम टाइम के अंदर दुनिया की टॉप 10 पोजीशन हासिल करना अपने आप में एक गर्व की बात है। मैं आपसे बात करूं तो आप लोग और हम लोग आज कामयाब होने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की तलाश करते हैं। अगर आप भी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस करना चाहते हैं, एक विदाउट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करना चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस कम टाइम के अंदर अच्छी एजुकेशन के साथ में हासिल करना चाहते हैं, तो एटमी आप सब लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट ज़्यादा जानकारी के लिए आप
हमारे अगले वीडियो का वेट कर सकते हैं। अगर आप एटमी में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो एटमी के अंदर आप हमारी टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम के साथ में जुड़ सकते हैं, जो इंडिया का बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। जैसे कि एटमी का एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में फ्री है, बेहतरीन है, वैसे इंडिया के अंदर एटमी का टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप एटमी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और एटमी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे और बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टीम वॉरियर के लीडर से कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और, इस पैंडेमिक महामारी के दौरान आप कृपया करके खुद का और अपनी फैमिली का जरूर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आज इस सिचुएशन के अंदर पूरा भारत बहुत समस्याओं से जूझ रहा है। तो आप सब लोगों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खुद का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।